गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे ही होंगे, है ना? ओके, तो चलो हिंदी की भाषावाटिका बुक निकालो। फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी की भाषावाटिका बुक निकालो, उसका पेज क्रमांक 11, जिसे आप 11 बोलते हो इंग्लिश में, वो निकालो। तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ई की मात्रा। ओके, छोटे ई की मात्रा आपको पता है ना? मात्रा ही पता है ना? अगर नहीं पता है तो मैं आपको वही तो बताने वाली हूँ कि छोटे ई की मात्रा होती कैसी है। छोटे ई की मात्रा होती है ऐसे, जैसे कि समझो आपका छोटा स्मॉल वाला एफ। तो अब ये क्या काम करती है? तो ये जब व्यंजन के साथ आती है, जैसे हमें की अक्षर लिखना है समझ लो, तो फिर उसे क्या लगाना पड़ेगा? पहले तो हमें क व्यंजन लेना पड़ेगा, वर्णमाला का क वर्ण लेना पड़ेगा, फिर उसको ई की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो वो कैसे लगाएंगे? हाँ, यही तो सीखने वाले हैं ना हम। तो देखो ये कौन सा वर्ण है बच्चों, पहचानो, पता है ना आपको? ये है क वर्ण, है ना? ये क दिख रहा है आपको? अभी इसके साथ मैं क्या लगाने जा रही हूँ? क्या लगाया मैंने? कौन सी मात्रा लगाई? छोटे ई की मात्रा। चलो बोलो, क में छोटे ई की मात्रा की। यस, क में छोटे ई की मात्रा की। ओके, तो यही सब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि छोटे ई की मात्रा लगने के बाद क्या क्या अक्षर मिलते हैं हमें, कौन कौन से शब्द हम बनाते जाएंगे। ओके, तो आप सभी ने हिंदी की भाषावाटिका बुक का पेज नंबर 11 निकाला है। ओके, तो आज हम उसको विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, ई की मात्रा को, है ना? ओके, चलो तो मेरे साथ साथ देखो, ये कौन सा वर्ण है? क। क्या है ये? क है। चलो बोलो, क। आदि, ये कौन सी मात्रा है? अभी बताया मैंने, अभी अभी आपको बताई कि ये क्या है? छोटे ई की मात्रा। चलो बोलो, क आदि छोटे ई की मात्रा। क को हमने छोटे ई की मात्रा लगाई, है ना? तो क को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद हमें क्या मिल गया? कौन सा वर्ण मिला? यस, की मिला, है ना? तो अब हमें देखना है कि क में हमने जब छोटे ई की मात्रा लगाई तो की बना। अब हमारे पास है, ये कौन सा चित्र दिख रहा है आपको? चिड़िया दिख रही है? दिख रही है? आपने चिड़िया देखी है? यस, अब हमें चिड़िया का ची बनाना है। ओके, तो हमें कौन सा वर्ण लेना पड़ेगा और उसको कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी, है ना? पहले तो हमें यही सीखना पड़ेगा। तो चलो मेरे साथ साथ देखो भी, पढ़ो भी और समझो भी। ओके, ये है चिड़िया। ओके, तो हमें कौन सा वर्ण चाहिए? पहले पहले चाहिए हमें च। बोलो जोर से मेरे साथ, च। बोलो सभी, च। दिख रहा है सभी को? च दिख रहा है ना? यस, च लिखा हमने, च। उसके बाद च अधिक कौन सी मात्रा? छोटे ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटे ई की मात्रा। च च को हमने छोटे ई की मात्रा लगाई, है ना? अब बन गया हमारा ची, और ये है चिड़िया। तो हमें पूरा शब्द बनाना है चिड़िया। तो देखो हम कैसे बनाते जाएंगे। इसके बाद कौन से वर्ण की जरूरत पड़ेगी हमें? ड। चलो बोलो, ड। च प्लस छोटे ई की मात्रा प्लस ड। ओके, प्लस छोटे ई की मात्रा और छोटे ई की मात्रा, क्योंकि डी है ना, ये जो ड है इसको ये छोटे ई की मात्रा लगेंगी तो डी बन जाएगा, है ना? उसके बाद चाहिए हमें या। तो या के लिए तो सबसे पहले हमें या ये वर्ण लेना पड़ेगा, है ना? या लिया हमने। ओके, उसके बाद प्लस आ की मात्रा। अभी इसको पढ़ो, क्या बन गया ये पढ़ो। च को छोटे ई की मात्रा ची, ड को छोटे ई की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या। तो ये कौन सा शब्द, कौन सा मीनिंग अर्थपूर्ण शब्द बन गया? चिड़िया, जो कि हमने यहाँ पे चिड़िया का चित्र निकाला है। हाँ, तो उसका ये क्या बन गया? नाम बन गया। देखो
च। अब ये च को हमने ये ई की मात्रा लगाई तो बन गया ची। अब हमारे पास है ड, क्या है ड, फिर हमने ये ड को छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया डी। उसके बाद हमने य लिया, क्या लिया य, फिर हमने ये उसको आ की मात्रा लगाई तो कौन सा शब्द बन गया, चिड़िया, दिख रही है आपको चिड़िया। ओके, तो इस तरह से आपको शब्द बनाना सीखना है। इसी तरह से हम छोटे ई की मात्रा और एग्जांपल देकर और पढ़ेंगे। और देखो गिलास, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको, गिलास दिख रहे हैं, आपके घर में गिलास है, होते हैं आपके घर में स्टील के गिलास है ना, ये प्लास्टिक के हैं, ये इसका उपयोग करो और फेंक दो, इसको यूज एंड थ्रो बोलते हैं। हिंदी में कैसे बोलेंगे यूज एंड थ्रो को, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अभी देखो ये गिलास हमें कहाँ दिखते हैं घर में, यस, रसोई घर में, हाँ, तो इस गिलास को हम कैसे राइट करेंगे देखना है, तो चलो देखते हैं। ये आपको गिलास का चित्र दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस। तो देखो हमें कौन सा वर्ण लगेगा पहले, ग, क्या लगेगा, ग, हमने क्या राइट किया यहाँ पे, बोलो मेरे साथ साथ, ग, जोर से बोलना है ना, ग, क्या लिखा, ग, अधिक, कौन सी मात्रा पढ़ रहे हम, छोटे ए की मात्रा, यस, ग प्लस छोटी की मात्रा घी, है ना। अभी चाहिए गिलास को पूरा करने के लिए हमें घी के बाद कौन सा वर्ण लेना है, ल प्लस ल, तो अब ये ल बन गया, हमें चाहिए ला, तो ल में आ की मात्रा ला, ये क्या बन गया, गीला, क्या बन गया, गीला। हमें चाहिए पूरा शब्द चाहिए स, अभी ये क्या बन जाएगा, गिलास, आपने गिलास देखते हो ना, किचन में रहता है ना हमारे रसोई घर में, है कि नहीं, उससे हम पानी पीते हैं, है ना, गिलास से, तो ये ग में छोटी की मात्रा गी, ल को आ की मात्रा ला, और स, इसको हम पूरा शब्द एक साथ लाकर लिखेंगे। चलो तो लिखो मेरे साथ साथ, चलो बोलो, गी, ल को आ की मात्रा ला, स, क्या बन गया, गिलास, पढ़ो पढ़ो इसको, गिलास। ओके, उसके बाद हमने ये दो शब्द देखे, चिड़िया देखा, गिलास देखा। ओके, उसके बाद और भी शब्द है हमारे सब पास में, उसको भी बना कर देखेंगे हम कि किस तरह से बनाने हैं, हाँ, है ना, आप भी बना कर देखो, उधर मैं यहाँ पे बना के दिखा रही ना, आप ध्यान दो और बना कर भी देखो, चलो मेरे साथ साथ। चलो बताओ ये कौन सा वर्ण है, चलो बोलो जोर से, क, क्या है, क, चलो बताओ मैंने ये कौन सी मात्रा लगाई, छोटे ई की मात्रा लगाई, क को छोटे ई की मात्रा की। अब बताओ ये मैंने कौन सा वर्ण लिखा यहाँ पे, स, क्या लिखा, स, हाँ, स को मैंने क्या लगाया, ये स प्लस आ की मात्रा, क्या बन गया, किसा। ओके, उसके बाद मैंने कौन सा वर्ण लिखा बच्चों यहाँ पे, न, क्या हो गया ये, क को ई की मात्रा की, स को आ की मात्रा सा, न, क्या हो गया, किसान। किसान पता है ना आपके, आप में से बहुत सारे बच्चों के पिताजी किसान होंगे, है ना, जो खेती करते हैं उन्हें किसान कहते हैं हिंदी में, है कि नहीं। ओके, तो अब हम इसको एक साथ लाकर लिखेंगे कि इसको एक साथ लाकर कैसे लिखते हैं, तो चलो लिखो, क, क को ई की मात्रा की, अब हमने यहाँ का लिया स, स को लगाई आ की मात्रा, और फिर लिया न ये व्यंजन। ओके, तो ये क्या बन गया, कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन गया, किसान, क्या बन गया, पढ़ो, किसान, ये क, उस फिर क को हमने छोटे ई की मात्रा लगाई तो बन गया हमारा की, है ना, फिर ये हमने यहाँ का स लिया, फिर यहाँ से आ की मात्रा लगाई, फिर ना,
तो कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन गया? किसान, है ना। देखो उसके बाद हम लिखने वाले हैं हिरण ये शब्द, है ना। उसके बाद हम कौन सा शब्द लिखने वाले हैं? हिरण। आपने हिरण देखा है? चलो ये क्या है? ह। क्या है? ह। अब इस ह को हम लगाएंगे छोटे ई की मात्रा, ह प्लस छोटे ई की मात्रा, ही प्लस र, ओके ही र। अब कौन सा वर्ण चाहिए? न। क्या बन गया? पढ़ो तो इसको। ह को छोटे ई की मात्रा ही र न, ओके। अब इसको एक साथ लिख कर देखो। चलो लिखो। हाँ पहले तो लिखेंगे हम ह। ह को फिर लगाएंगे ये छोटे ई की मात्रा, लगाए ही बन गया। फिर हमने लिया यहाँ का र, फिर हम लेंगे न। क्या बन गया बच्चों? हिरण, है ना, हिरण बन गया। तो ऐसे लिखते हैं हिरण ये शब्द। समझ में आया? यस। चलो उसके बाद कौन सा शब्द है? उसके बाद हमारे पास शब्द है डिबिया, ओके। तो डिबिया को हम कैसे लिखते हैं वो भी विस्तार से देख लेते हैं, ओके। तो चलो ये हमने लिया ड वर्ण। क्या लिया? ड, ड प्लस छोटे ई की मात्रा, बन गया डी, है ना, डी बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ब ये वर्ण चाहिए। उसके बाद छोटे ई की मात्रा डी बी, और उसके बाद चाहिए हमें य प्लस आ की मात्रा, य प्लस आ की मात्रा। क्या हो गया? पढ़ो तो डी बी या। अब इसको एक साथ मिलाकर लिखो। चलो लिखो जल्दी से। हाँ ड, ड को ई की मात्रा डी, ब, ब को ई की मात्रा बी, य प्लस क्या लगाया हमने? हाँ की मात्रा। तो ये बन गया, कौन सा शब्द बन गया? डिबिया। आज इसकी डिबिया देखी है ना आपने, घर में रहती है ना। तो ये बन गया हमारा डिबिया, ये अर्थपूर्ण शब्द, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द है? चलो बताओ तो कौन सा शब्द है? किताब। किताब पता है आपको? किताब तो सबको पता है, सबके पास में है ये किताब, है ना। मेरे पास भाषा वाटिका की किताब है, आपके घर में और भी अलग अलग सब्जेक्ट की किताब होंगी, है ना। तो किताब, किताब के की में कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा लगती है। तो चलो बताओ मुझे ये कौन सा वर्ण लिया हमने? क प्लस छोटी ई की मात्रा की, ओके, प्लस त प्लस आ की मात्रा प्लस व। अभी पढ़ो इसको। क को ई की मात्रा की, त को आ की मात्रा ता, व। चलो अब इनको एक साथ लाओ। बहुत होशियार बन गए। हाँ चलो, क को ई की मात्रा की, ओके, त को आ की मात्रा ता, और ये लिया हमने व। बन गई किताब, है ना। किताब आप सभी ने देखी है, पढ़ी है, पढ़ते हैं हम, है कि नहीं। इस तरह की किताब, ये देखो ये किताब, ओके। देन उसके बाद क्या है? कौन सा शब्द है? बारिश। कौन सा शब्द है? बारिश। तो बारिश हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ब ये वर्ण, है ना। ब को हमने लगाई आ की मात्रा, बन गया बा, ओके। उसके बाद हमें चाहिए र, र ये वर्ण, र प्लस छोटी की मात्रा बारी, प्लस श, सेम वैसे ही। अब तक हमने जो जो शब्द बनाने देखे ना, सेम वैसे ही ये भी बारिश ये शब्द हमें बनाना है। तो चलो तो बनाकर देखते हैं। चलो ब लिखो। चलो ब को आ की मात्रा लगाओ, बा बन गया। फिर ये र ये व्यंजन लो, फिर ये र को छोटे ई की मात्रा लगाओ, बारी, श। क्या बन गया? बारिश।
बारिश पता है ना आपको, ऐसे बादल होते हैं, वहाँ से बूंदे टपकती है बारिश की, है कि नहीं? बारिश पता है ना? अभी तो बारिश का ही मौसम चल रहा है, तो आपको बारिश बताने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो उस शब्द को हम इस तरह से लिखते हैं, बारिश को। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया कि ई की मात्रा कैसे होती है? यह है ई की मात्रा, ये जब ग में लगी तो की बन गया, ये जब ग में लगी तो गी बन गया, है ना? है कि नहीं? छोटी ई की मात्रा समझ में आया आप सभी के? चलो पढ़ो, ये एक साथ पढ़ो मेरे साथ। चलो बोलो, बारिश, बोलो बारिश, गीला सा। समझ में आया ना कैसे शब्द बनाए हमने? पहले तो हमने एक एक वर्ण लिया, फिर उसकी मात्राएं देखी। ये आ की मात्रा, इसके पहले भी हो गई थी आ की मात्रा, और आज हमने देखी छोटे ई की मात्रा। देखी ना हमने छोटे ई की मात्रा? ओके, तो आप ये ध्यान से पढ़ा होगा आपने, ये आपको घर में करके देखना है। करोगे ना, एक एक व्यंजन को क्या करोगे, ऐसे छोटी ई की मात्रा आपको, आपने ऐसी नहीं बनाई भी तो ऐसे नोटबुक पर भी ऐसे निकाल के देखना है, और एक एक व्यंजन को लगा कर देखना है, आपको अपने नोटबुक में राइट करना है। हाँ, करोगे ना? देखो पेज नंबर 12, हाँ पेज नंबर 12 पे छोटे ई की मात्रा के कुछ शब्द है, पढ़ो, पढ़ना है उसे और समझना है। जैसे कि कौन सा शब्द है पढ़ो मेरे साथ साथ, चिड़िया, अभी मैंने बताया कैसे बनाना है उसको, कौन सी मात्राएं लगानी है, चिड़िया भी है वहाँ पे, साइकिल ये शब्द है, सितार ये शब्द है, कवि है, किसान है, डलिया है, दिल है, रवि है, विमान है, तकिया है, हिरन है, डाकिया है। तो ये जो 10 शब्द है वो आपको आपके नोटबुक में राइट करना है। हाँ, जब आप ये शब्द लिख कर देखेंगे ना, आपको समझ में ही आ जाएगा कि छोटी ई की मात्रा किस तरह से राइट की जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे का हम बाद के पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।